हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूं तड़के वाली चना दाल लौकी की रेसिपी। इसे बनाना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। पूरी पराठा रोटी इवन राइस के साथ बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए हमें लगेगा 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, मैंने मीडियम फ्लेम रखा है, एक पैन में ऐड किया है। और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी सूखे मसाले, 1 टीस्पून के बराबर जीरा और कुछ लौंग, साथ में काली मिर्च ऐड किया है और तेज पत्ता तोड़ कर डाला है, और एक बड़ा प्याज लिया है फाइनली चॉप किया हुआ। इसे हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़, यानी हरी मिर्च को मैंने बीच से काट लिया है। तो ये अराउंड 4 ग्रीन चिलीज है। अब इसे भी हम पका लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो पहले से ही मैं पीस के रख लेती हूँ। इस तरह से आप भी बना के रख सकते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट को। और 1/4 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऐड किया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। तो ये अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले, 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाला है कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और साथ में मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून के बराबर, और टमाटो पेस्ट डाला है, और इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम ढक कर पकाएंगे अराउंड 4 से 5 मिनट्स के लिए, जब तक ये पकता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये चना दाल है, मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था 1 बोल के बराबर, और ये लौकी को मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी सोक किया हुआ चना दाल और साथ में चॉप किया हुआ लौकी, और सॉल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक स्वाद अनुसार ऐड किया है मैंने, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसे 1 से 2 मिनट हम चला लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारा प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं, बट मैं इस समय इसे कुकर में ट्रांसफ़र करूंगी। तो इसे मैं डाल लेती हूँ, ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे विसल देंगे। तो इसमें मैं डालूंगी 2 ग्लास के बराबर पानी ऐड करना है, और 4 विसल आने तक इसे पका लेंगे। तो कई जगह बहुत जल्दी भी दाल पक जाता है, उस हिसाब से आपको पकाना है। तो 4 विसल लग चुके हैं और ये ठंडा हो चुका था, तो आप देख सकते हैं ये दाल लौकी सब अच्छे से बिल्कुल कुक हो चुका है। अब मैं इसे 1 सर्विंग बोल में निकालूंगी, और इसके बाद हम ऊपर से करेंगे इसका फाइनल टेम्परिंग। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दिया है। अब मैंने एक अलग से पैन लिया है, तड़का पैन, उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून के बराबर घी। गरम होने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी जीरा 1 टीस्पून के बराबर, 2 मिर्च तोड़कर डाला है साबुत मिर्च, और थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड किया है। और इस तरह से टेम्परिंग तैयार हो चुकी है, तड़का इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो इससे बहुत ही अच्छा जो घी का फ्लेवर है और एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं तड़के वाली चना दाल लौकी बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है। तो फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए इसे, एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।